उर्दू सीखने का ये वीडियो नंबर 151 है। करात का बयान, करात का बयान। सवाल, अगर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू में याद आए तो क्या करे? अगर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू में याद आए तो क्या करे? जवाब, अगर सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू में याद आए तो खड़ा हो जाए और सूरत मिलाए फिर रुकू करे और आखिर में सजदा सहो करे। अगर सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू में याद आए तो खड़ा हो जाए और सूरत मिलाए फिर रुकू करे और आखिर में सजदा सहो करे। सवाल, फ़र्ज़ की पहली दो रकातों में सूरत मिलाना भूल जाए तो क्या करे? फ़र्ज़ की पहली दो रकातों में सूरत मिलाना भूल जाए तो क्या करे? जवाब, फ़र्ज़ की पहली दो रकातों में सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू के बाद याद आए तो पिछली दो रकातों में पढ़ें और सजदा सहो करें, और मगरिब की पहली दो रकातों में भूल जाए तो तीसरी में पढ़ें और एक रकात की सूरत जाती रही, आखिर में सजदा सहो करे। तो पिछली दो रकातों में पढ़ें और सजदा सहो करे और मगरिब की पहली दो रकातों में भूल जाए तो तीसरी में पढ़ें और एक रकात की सूरत जाती रही, आखिर में सजदा सहो करे। सवाल, अगर फ़र्ज़ की पहली दो रकातों में से अगर फ़र्ज़ की पहली दो रकातों में से किसी एक में सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू के बाद याद आए तो क्या करे? अगर फ़र्ज़ की पहली दो रकातों में से किसी एक में सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू के बाद याद आए तो क्या करे? जवाब, तीसरी या चौथी में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाए और सजदा सहो करे। सवाल, अगर सुन्नत या नफल में सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू के बाद सजदा वगैरह में याद आए तो क्या करें? अगर सुन्नत या नफल में सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू के बाद सजदा वगैरह में याद आए तो क्या करें? जवाब, आखिर में सजदा सहो करें। सवाल, पहली रकात में जो सूरत पढ़ी फिर उसी सूरत को दूसरी रकात पहली रकात में जो सूरत पढ़ी फिर उसी सूरत को दूसरी रकात में भूल कर शुरू कर दी तो क्या करे? जवाब, फिर उसी सूरत को पढ़ें और कसदन ऐसा करना मकरूह तनजीही है। हाँ, अगर दूसरी सूरत याद ना हो तो हर्ज नहीं। फिर उसी सूरत को शुरू कर दी तो उसी को पढ़ें और कसदन ऐसा करना मकरूह तनजीही है। हाँ, अगर दूसरी सूरत याद ना हो तो हर्ज नहीं। सवाल, दूसरी रकात में पहली वाली से ऊपर की सूरत पढ़ी
दूसरी रकात में पहली वाली से ऊपर की सूरत पर ही, यानी पहली में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में इन्ना अअतैनाकल, ठीक है, पर ही तो क्या हुक्म है? जवाब, दूसरी रकात में पहली वाली से ऊपर की सूरत या आयत पढ़ना मकरूह तहरीमी और गुनाह है, मगर भूल कर ऐसा हो तो ना गुनाह और ना सजदा सहो। दूसरी रकात में पहली वाली से ऊपर की सूरत या आयत पढ़ना मकरूह तहरीमी और गुनाह है, मगर भूल कर ऐसा हो तो ना गुनाह और ना सजदा सहो। सवाल, भूल कर दूसरी रकात में ऊपर की सूरत शुरू कर दी फिर याद आया तो क्या करें? भूल कर दूसरी रकात में ऊपर की सूरत शुरू कर दी फिर याद आया तो क्या करें? जवाब, जो शुरू कर चुका है उसी को पूरा करे, अगरचे अभी एक ही हरफ पढ़ा हो। सवाल, पहली में अलम तरा कैफा और दूसरी में लीलाफी छोड़ कर अरायत लदी पढ़ना कैसा है? जवाब, दूसरी में एक छोटी सूरत छोड़ कर पढ़ना मना है और भूल कर शुरू कर दी तो उसी को ख़त्म करे, छोड़ने की इजाज़त नहीं है। दूसरी में एक छोटी सूरत छोड़ कर पढ़ना मना है और भूल कर शुरू कर दी तो उसी को ख़त्म करे, छोड़ने की इजाज़त नहीं है। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।